विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमायया भूतं यथा निद्रया यस्याक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुत्वे नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्ते मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभं नः अभिनव नवनीत स्निग्धमापीतदुग्धं दधिकण परिदिग्धं मुग्धमंगं मुरारे दिशतु भुवन कृच्छ्रच्छेदितापिच्छदुच्छच्छ विनवति पिच्छैर्लाञ्छितं वाञ्छितं आमंत्र्य जगमतोर के समझ करा है। भगवान ने नलकूबर मणिपुरी को वृक्ष योनि से जड़ता से मुक्त कर दिया। देवता हो तो जड़ से एक हो गए। भगवान की कृपा से जड़ता से मुक्त हो गए। ये देखो चेतन जो जड़ से एक हो रहा है ना, यही तो जड़ता है। और ये शरीर भी वृक्ष ही है ना। ऊर्ध मूल मधस्ताकम, आपने इस श्लोक का अर्थ तो सुना ही होगा। और आज वो नाम वाला होकर के और रस कमर में गुण बांध के रस्सी बांध के, अच्छा दूध में जो परमात्मा है वो नित्य मुक्त है कि नहीं, तो आज तो दब्ध है तो वो निर्गुण है कि नहीं, तो है तो आज तो सगुण है तो वो निर्नाम है कि नहीं, कहो तो निर्नाम है, तो आज तो सनाम है, तो आगम भंग हो गया ना, वेद की निवृत्ति का भंग हो गया, ये वृत्ति का पतन है। लक्ष्यम पतन कारणम। अब ये देखो कि उन लोगों ने देखा कि एक बालक है और वही है न, उनको ये चीज है कि अरे अभी अभी ये वृक्ष उखड़े हैं धरती में से, जो मिट्टी निकली है ना वो गीली है, वो जो उसके बीच में बिल्कुल जड़ कई तरह की होती है, एक ऊपर ऊपर दाएं बाएं फैलती है और एक बिल्कुल नीचे जाती है, वो जैसे मूसर होता है ना मूसर, ऐसे बिल्कुल सीधे ही जाती है नीचे। हाँ, पेड़ के कई भाग होते हैं, उसमें छिलका होता है, उसमें गूदा होता है, उसमें हीर होती है, पेड़ के कई भाग होते हैं, रस होता है। हाँ, वो रस चखे तो आपको फल नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब वही नोक पर पहुंचता है तो उसमें क्या स्वाद आता है। बड़ी बड़ी वृक्ष अब लगे कौन है कस्तूदम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरा, ये किसका काम है, ये कहां से ये आश्चर्य हो गया, ये तो बड़ा भारी उत्पात हो गया। अब वहां से बालक शुद्ध हो गए, बालक का अर्थ है जनता हो गए शुद्ध है, झूठ नहीं बोलते बालक, बिल्कुल सच सच बता देते। एक तो स्त्री की बात जो है ना, एक बहुत विलक्षण होते हैं वो, उनके बारे में अगर कोई उनके साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करे तो जहां तक संभव है वो छिपाने की कोशिश करते हैं कि किसी को मालूम नहीं पड़े, किसी को बताना नहीं। लेकिन दुहया को छोड़ दो, बेचिया को छोड़ दो है ना,
लेकिन कोई भी कुलीन स्त्री यदि अपने बारे में कोई कलंक की बात करे तो उसको सच मानना पड़ता है, तो बोल नहीं सकते। ये ऐसा ऐसा विषय है, ये कोई भी कैसे बोल सकता है। और बालक बालक जैसा देखेगा वैसा बोल देगा। हम तो आप लोगों की सभा में नमूना नहीं बता सकते, नहीं तो बालकों के मुंह से ऐसी ऐसी बात सुनी है बिल्कुल दोषी को सच सच कह देते हैं। तो इसी से कोई कोई कहते हैं कि भाई मधुरम पीयूषादपि प्रमाण मामना तो बालवचः श्राव्यम श्रुति सुखकरमिति सुष्टोक्तौ एतदेव मानमभूत। बच्चा बोलता है मीठा, एक तो माधुर्य है उसमें, और दूसरे बच्चा बोलता है जैसा देखता है वैसा। और आपने ये बहुत सुना होगा, एक बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी हैं, वो घर में घुस गया गया तो पिताजी ने कहा जाओ कह दो कि नहीं है घर में। तो लौट के आया तो बोला पिताजी ने कहा है कि कह दो कि घर में नहीं है। तो बच्चे जो बात कहते हैं वो निर्मूल नहीं होती है। बाला तुरंत घर वाले लोग तो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो बच्चा बोलने लगा तो मार पीट के। एक बड़े घर की बात मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को मार पीट के ऐसा दबाया कि यदि हम उनके घर में सामने बाप से पूछ रहे कि तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी है कि नहीं है, तो वो बालक हमको जवाब नहीं देता था, अपने बाप का मुंह देखता था कि उनको क्या कहें कि अच्छी है कि नहीं। अब ऐसे तो लोग बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं। अब बच्चों ने कहा कि अनुना, अरे ये है ना ये कौन, दर्शन करो भगवान का, जिसकी कमर में रस्सी बंधी है, ये जो सांवरा सांवरा है, जिसकी आंखों पर है ना ललाट पर शोभा के लिए बाल नहीं लाए गए हैं, अपने आप ही आ गए हैं, है ना स्वाभाविक। कई लोग तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए है ना आंख पर बाल ले आते हैं। तो पहले तो हम समझते थे कि ये स्वाभाविक, देखो कितने भोले भाले हैं कि आंख पर बाल पड़ा है हटाते नहीं है। बाद में हमको मालूम हुआ कि ये तो सिखाया जाता है, तो सिखाया जाता है। और पुरुषों को भी देखा आजकल तक के लड़के भी आंख पर बाल, पहले हम लोग समझते थे कि ललाट जो है ये जितना ऊंचा दिखे है ना प्रशस्त भाग, ये भारतीय संस्कृति में सौंदर्य को ये ललाट जितना प्रशस्त दिखाई पड़े उतना अच्छा मानते थे। और आजकल के सौंदर्य में जितना वो ढक जाए न दिखे बिल्कुल बंदर तरीका हो जाता है, बंदर का ललाट में दिखता है। क्या सौंदर्य विषय धारणा क्या है, लड़कियों को भी देखा लड़कों को भी देखा, बोले विकल्प बन रहे हैं। तो पर श्री कृष्ण के बाल भी है ना ललाट पर आसपास तक, लेकिन स्वाभाविक अपने आप ही आ गए थे, उन्होंने कंघी से या हाथ से पकड़ के एक लट नहीं लटकाई थे। बालाऊ तुरने फलम विकर्षता मध्य गुनो पुरुषा वक्य तत्मी अने इसने गिराया है पेड़, बोले भला कैसे गिरावेगा, तब विकर्षता मध्य देना उछल खींचते खींचते बीच में चला गया। और ये बात हमने और देखी, बच्चों ने बताया एक बात और देखी। क्या क्या देखी बाबा, तो ये देखी कि इसमें से दो पुरुष निकले। नाते तदुत्तम जगृहु न घटे देवी तत्त, बालकोत्पाटनम तर्वो हो उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंद सद वजनो विमोच। अब कोई उनकी बात न मान। तो जहां एक तरह से लोग होते हैं ना, हम किसी महीना होते हैं वृंदावन में, अगर आज कोई जन्माष्टमी मनावे तो हंसेंगे, लेकिन काशी में कल कोई मनावे तो हंसेंगे,
क्योंकि स्मार्क पद्धति ये है कि कार्य काल में जन्माष्टमी होनी चाहिए, माने मध्य रात्रि में अष्टमी होनी चाहिए। नहीं, तिथि तो परा जो हो, नवमी तो छूटी हुई अष्टमी हो, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो वैष्णव ने कहा चल है। तो निंदारकों ने कहा कि नहीं नहीं, रोहिणी होना जरूरी है, शनिवार को हो। निंदारक संप्रदाय में शनिवार को जन्माष्टमी है और वैष्णव संप्रदाय में कल शुक्रवार को है और काशी आदि के स्मारकों में आज है। अच्छा, आज हमारे पास एक आयंगर आए है ना मद्रास के, तो उनसे मैंने पूछा कि तुम लोग कब मनाते हो। श्री वैष्णव संप्रदाय के, श्री रामानुज संप्रदाय के 70 अनुयायी है। तो मैंने पूछा तुम कब मनाते हो, तो बोले कि हम लोग तो श्राद्ध पक्ष में अष्टमी को जन्माष्टमी मनाएंगे। बोले क्यों? का अष्टमी और रोहिणी का संयोग इस महीने में नहीं मिलता है ना, अगले महीने में मिलेगा। तो जब रोहिणी और जन्माष्टमी दोनों एक दिन होगी तब मनाएंगे। ये हम जानते थे पहले से, हमको मालूम है कि कौन कैसे मनाता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं अरे राम राम, तुम लोग तो जन्माष्टमी को भी अनेक कर देते हो। तो ये अनेक करना अच्छा है, बुरा नहीं है, बोला इसको आप दूसरे ढंग से देखो। ये भिन्न, असल में तो ये शास्त्रोक्त तरीके से मनाई जाती है। आप लोगों में से तो किसी ने श्री कृष्ण को जन्म तो नहीं देखा था है? उस दिन आप लोग वहां मौजूद थे, आप होंगे तब भी याद नहीं है, होंगे तब भी याद नहीं है। तो असल में जब चार दिन जन्माष्टमी मनाई जाए और सब लोग प्रेम से सहयोग दें तो एक दिन का आनंद चार दिन का आनंद हो जाएगा ना। उनके घर हो तो तुम जाओ, उनके घर हो तो तुम जाओ, उनके घर हो तो तुम जाओ, है ना। इसमें शास्त्र का दोष नहीं है, इसमें शास्त्र का गुण है। यदि सबके घर में एक ही दिन हो जाएगी तो न उनके घर वो जाएंगे न उनके घर वो जाएंगे, एक ही जगह मन जाएगी। और चार दिन हो तो चार जगह हो आओ, सबके घर में एक ही दिन ब्याह हो तो कौन बराती बनेगा। तो ये बालक का जो वचन है, इसको जो बहुत श्रद्धालु होगा, प्रीतिमान होगा, वो ग्रहण करेगा। और तार्किक होगा तो न घटे थे ये व्यंग है। व्यंग क्या है? तो बोले जो तर्क वितर्क करने वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा नन्हा सा बच्चा, अब उनको ये नहीं सूझता कि उछल घसी के कैसे ले आया, ये नहीं सूझता तृणा वर्ष को के साथ आसमान में जाके भी कैसे लौट आया, सूचना को कैसे खींच लिया, शकटासुर को कैसे उलट दिया, तृणा वर्ष का कैसे गला घोट दिया। तो ये सब ध्यान में बात नहीं आती। बोले न घटे सर, ऐसा होना शक्य नहीं है। ये सब बात को असंभव मानने वाले लोग जो होते हैं ना, उनका तर्क वितर्क सच्चाई से उनको दूर कर देता है। अचिंत्या स्थल ये भावा नताश तर्केशु योजय, जहां तक इंद्रियों की गति है वहीं तक तर्क करना चाहिए, जहां इंद्रियों की गति नहीं है वहां तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क प्रतिष्ठानात् ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है, तर्क प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान अधिकरण। तर्क की कोई प्रतिष्ठा में कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर तर्क वितर्क करने लगोगे, तर्क वितर्क करने लगोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। जो चीज इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ती उसको जानने के लिए शास्त्र का, संत का सहारा लेना पड़ता है। किसी किसी के मन में संशय हुआ कि शायद भाई हो, अब इसी बीच में नंद बाबा की नजर पड़ गई, ये कौन है? ये तो हमारा लाला है। दामना बद्धम समात्मजम, देखो बेटा हो तो ऐसा मैया ने बांध दिया तो बांध दिया, बंद गए। अब तो नंद बाबा तो बड़े समझदार थे, हो वो मनोविज्ञान को ठीक समझते थे। उन्होंने कहा कि ये मैया तो जिद्दी है, संसार में जितने हथ आपने सुने होंगे ना, सुने होंगे ना, हथ होते हैं राजहथ, दाल हथ, जोगी हथ, उनमें स्त्री हथ भी है। तो देखो तो बोला नन्हा सा बालक, इतना सुकुमार, इसका मस्तिष्क, इसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कैसी है मार। तो उसने लाला को बांध दिया,
दूर से देखा, बोले ये तो हमारा बालक है, बच्चन तुम आत्मजम, बोले आप नहीं बांधने देंगे। कुछ सोचे कि ये डरा हुआ है, पूछते हैं कि डरा हुआ है तो मैया ने बांध दिया तो कहीं हमको आते देख के सोचे कि ये भी मारेंगे। तो दुलोक के नंद बदने विमुमो चो हफ्ते, अरे राम राम वाला तुमको किसने बांध दिया, ऐसे करते हुए जिससे डरे नहीं। बालक को डराना नहीं चाहिए, हो वो जो ज्ञान तंतु होते हैं ना, ज्ञान तंतु, उस पर डराने का बहुत बुरा असर। अरे वहां मत जाना, भूत है, ऐसे नहीं देना, नहीं तो कोई चीज खटकेगी तो उसी को भूत मान लेगा और डर जाएगा। डरा के काम नहीं देना, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि से काम, शुद्ध बुद्धि से करना चाहिए। तो देखो नंद बाबा को ये तो है नहीं कि आओ हम भगवान को छोड़ेंगे, निकल के रस्सी से तो भगवान हमको छोड़ देंगे, ये तो उनके मन में है नहीं। क्योंकि दुनिया के लोग बदले के भाव से काम करते हैं, ऐसा बदले का भाव मन में रहता है। अरे हमने तुमको एक दिन एक गिलास पानी पिलाया था, आज हमको एक गिलास दूध पिलाओ, मैं ब्याज को वसूल कर लूंगा। ये लोग जो फूल माला चंदन चढ़ाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा वसूल करते हैं कि देश के बंद में जाना पड़ता है। साल में 5-10 रुपया खर्च कर लेते हैं तो फिर 2-4 साल में 1-2 लाख की योजना लेके आ जाते हैं। ये दुनिया के लोग जो है ना, वो बदला चाहते हैं। तो नंद बाबा को तो कृष्ण से कोई बदला नहीं लेना है, बोले हम जब पिता हैं तो स्वभाव से ही मुक्त हैं, लोग तुम्हारे ऊपर उपकार ही करते हैं और मुक्त कर देते हैं। अब ये नंद है, नंद वो है जो भगवान से कुछ लेता नहीं, भगवान को देता है, उसका नाम नंद हुआ ना, आनंद है वो। और रोज रोज रोना, रोज रोज जाना, हे भगवान। ये बाणिया लोग हैं ना तो ये बोलते हैं कि हे भगवान अपनी लक्ष्मी को हमारे घर भेज दे, तो भगवान कहते हैं चाहने वाले बहुत हैं, जरा घूम फिर तो आओ। तो लक्ष्मी कहती हैं कि हम घूम फिर तो आवे लेकिन सब ठीक ठाक है ना, बोले हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर हमको पूरा विश्वास है, जहाँ चली जाओ, जहाँ घूम जाओ हमारा पूरा विश्वास है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि भले हम घूमने जाएं, लेकिन एक रूप से तुम्हारी छाती पर हमारा कब्जा बना ही रहेगा। एक मुख्य लक्ष्मी जो है ना, वो भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, वो ये तो गौण लक्ष्मी है ना जो संसार में आती है, गौण लक्ष्मी है, मुख्य लक्ष्मी नहीं है। मुख्य लक्ष्मी तो बिल्कुल ईसा नाम जगतोष वेंकट पते है। तो अब नंद बाबा हंसे, प्रसद बदनहा, बोले हम देखो तुम्हें मुक्ति देते हैं लेकिन हमको तुमसे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वाह देखो शास्त्र का अभिप्राय अपने आप ही सिद्ध हो गया। शास्त्र का अभिप्राय क्या है, तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में न बंधन है और न मुक्ति है। आप ये भी ध्यान रखना, मुक्ति भी वास्तविक नहीं है, मुक्ति भी अध्यारोपापवादन न्याय से ही है। बंधन का अध्यारोप किया गया और उसका अपवाद कर दिया, मुक्ति जो है अपवादात्मिका है, अरे नहीं तुम्हारे अंदर बंधन उंधन नहीं है। यहां क्या हुआ, तो मैया ने बंधन का आरोप किया, मात्रा, तो मात्रा शब्द का दो अर्थ है, मात्रा कृतो बंधः, मात्रा माने संसार की जो विषय मात्रा है ना, शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, ये है। तो मात्रा कृतात आत्मबंधान मोचे जकृता निधि, ये मात्रा स्पर्श विषयों के बंधन में हम बंध गए हैं, अथवा मात्रा
प्रमाणगत दोष के कारण प्रमेय का ठीक ठीक समाचार साक्षात्कार न होने से ये माता जो है माता प्रमाता ये बंधन का हेतु हो गया। स्वयं माता ही बंधन का हेतु हो गया। माता माने संस्कृत माता में माता और प्रमाता, प्रमाता ने स्वयं बंधन कर दिया। तो माता है। अब बोले भाई छोड़े कौन, खुद छोड़ जाओ। बोले कि नहीं, आचार छोड़ता है, गुरु छोड़ता है। आचार जहां भैया विद्यता विद्या चातुष्कम प्रापत। तो अब देखो आपको ये सुनाते हैं, नंद बाबा ने जब खोल दिया बंधन और खोल के जो गोद में लिया तो ठाकुर जी ने श्याम सुंदर ने दाढ़ी पकड़ी नंद बाबा की, थोड़ा सिंह साफ थी तो कंधे पर पहुंच गए, कंधे पर चढ़ गए तो बोले बाबा नाचो। अच्छा बेटा नाचता हूं। तो कंधे पर ले करके नंद बाबा श्याम सुंदर को नाचने लगे। तो बोले कि बाबा अब हम तुम्हारे पास रहेंगे, मैया के पास नहीं जाएंगे, मैया तो बांध देती है और तुम छोड़ते हो, तुम बहुत प्रयत्न करते हो, बाबा हम तुम्हारे पास रहेंगे। इतने में गोपियां भी आ गई, मैया भी आ गई। तो नाना बाबा हम तो मैया के पास हम नहीं जाएंगे। तो एक गोपी ने पूछा कि लाला मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? बोले हम गैया मैया का दूध पियेंगे। तो अच्छा लाला मैया के पास नहीं जाओगे तो सोओगे कहाँ? हम बाबा के पास सोएंगे। तो बोले कि अच्छा मैया के पास नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुरिया कौन लाएगा? तो बोले बहुरिया लाने की क्या, बहुरिया माने पत्नी हो, ब्याह कैसे होगा, बदल ब्याह। बोले हम तो ब्याह की कोई जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत क्या नहीं है, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। तो बोले तुमसे ही कर लेंगे। छोटे बच्चे भाई ऐसे बोलते हैं है ना, तुमसे ही कर लेंगे। हमने तो बच्चों को ऐसा सुना है कि उनकी दादी माँ पूछती है कि बेटा ब्याह किससे करोगे, तो बोलते हैं हम तुमसे ही करेंगे दादी, हम दूसरों से नहीं करेंगे। तो बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, तो हम दूसरे के घर में नहीं ला रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा बेटा हम ये मैया ने आज तुमको बांध दिया तो हम इसको मारेंगे। इच्छा उन्होंने कंधे पर तो बैठे हुए थे, अपना हाथ बाबा के मुंह पर कर दिया कि ऐसी मत बोलो। बोले कि नहीं बेटा हम अब मैया के पास जाने ही नहीं देंगे तुमको और मारेंगे उसको। तो झट कंधे पर से उतर के और मैया की गोद में चले गए। मैया की गोद में जब चले गए तो मैया ने झट आंचल हटाया और गोद में लिया और उनको दूध पिलाने लगी। अब तो नंद बाबा भी खुश हो गए और मैया भी खुश हो गई। अब आगे जो मुग्ध भाव से लीला है, जिसको देख करके ब्रह्मा सनातन सनक सनंदन आश्चर्य चकित हो जाते हैं।